आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक मॉनसून फेशियल जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर द मॉनसून सीजन है। मॉनसून में जितने भी आपके माइक्रोबियल ग्रोथ्स होते हैं, लाइक बैक्टीरियल ग्रोथ्स होते हैं, वो सारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर, जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो फेवरेबल होता है माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस टाइम पे वी हैव टू कीप आवर स्किन क्लीन, स्कैल्प क्लीन, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना होता है। तो आज का जो हमारा मास्टर है, जो की इंग्रेडिएंट है, वो एलोवेरा है। एंड यू नो कि एलोवेरा जेल मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाला है प्लांट से, तो फ्रेश एलोवेरा जेल जो है फुल्ली हाइड्रेटेड होता है, फुल्ली सूदिंग होता है स्किन के लिए। तो आज का जो पूरा फेशियल है इज बेस्ड ऑन द एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल। चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, मानसून का सीजन ऑन है और मानसून में हमारे स्किन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज बिल्कुल ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, तो हमारे जो ऑयली स्किन होती है, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करने लगते हैं। तो मानसून के टाइम पे हमें अपने हेयर्स की, फेस की बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन भी जो है ना, जो चेहरे पे होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सारी चीज़ें भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मानसून में। तो आज मैं जो करने वाली हूँ वो है मानसून स्पेशल फेशियल, एंड फॉर दैट मैंने देखो पहले से प्रिपरेशन करके रखा है। मैंने एलोवेरा जेल निकाल के रखा है एलोवेरा प्लांट से, फ्रेश एलोवेरा जेल, एंड आई हैव टेकन क्यूक्यूम्बर वाटर। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग के लिए मैंने लिया है, नाउ सी आई हैव टेकन एलोवेरा लीफ, बहुत सारा ले लिया मैंने क्योंकि इसका तो मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। एंड इसका मैं निकाल लूँगी पल्प, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन अ फेशियल। Add 1 spoonful of aloe vera gel and to mix it very with the help of the cotton, I am going to clean my face 30 seconds to 1 minutes sufficient for the cleansing. Now applying coffee directly to your skin may help decrease the appearance of the sun spots, redness and fine lines. Now coffee has antibacterial properties and anti-inflammatory in action, to which helps you to fight some wounds, frequent skin infections and all. It also helps to treat the stubborn dark circles around the eyes. कैफीन होता है कॉफ़ी में, जो आपको क्या करता है, हेल्प करता है टू रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स। नाउ वंस यू आर डन, जस्ट क्लीन योर फेस विथ फ्रेश वाटर। नाउ शुगर स्क्रब जो है बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इट जेंटली स्क्रब्स, एक्सफोलिएट्स द डेड सेल्स। जो डेड सेल्स की बिल्डअप है ना, उसको अच्छे से ये क्या करता है, रिमूव करता है। दूसरा, इट ब्राइटन्स द स्किन और बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएशन करता है, इट डोंट हार्श द स्किन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड DIY स्क्रब। नाउ आई हैव यूज टोमेटो, टोमेटो हेल्प्स इन सूदिंग द स्किन and even it has anti-aging properties. So a cut of tomato in half and gently scrub all over the face. Make sure, बहुत ही gently करना है आपको, and when you are done, just wipe it off with fresh water. ठीक है,
एंड देन डू द मसाजिंग। नाउ सी माई स्क्रबिंग इज डन, आप देखो चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। नाउ द थर्ड स्टेप इज द मसाजिंग, जो मैं कम्प्लीटली सिर्फ जेल से करने वाली हूँ, ठीक है। तो वन आई हैव टेकन एलोवेरा जेल, ठीक है, एंड अनदर क्यूक्यूम्बर वाटर, ठीक है। नाउ क्यूक्यूम्बर वाटर, नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट, ठीक है। नाउ द थर्ड इन्ग्रीडियंट इज दिस एवियन की विटामिन ई की कैप्सूल, आई एम गोइंग टू टेक वन टू ऐड दिस। सारी चीज़ें अच्छे से, तीनों इन्ग्रीडियंट आपस में घुल मिल जाए। नाउ आफ्टर मिक्सिंग इट क्वाइट वेल, द फोर्थ इन्ग्रीडियंट इन द मसाज जेल इज वन स्पून फुल ऑफ द कर्ड, बिल्कुल फ्रिज की ठंडी ठंडी दही लो, इससे हम करेंगे अपनी मसाज। नाउ सी नाउ वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मसाजिंग, इट रिलीव्स द पेन, सबसे पहला रिलीव्स द टेंशन, क्योंकि आप काफ़ी सारे प्रेशर पॉइंट्स को क्या करते हो, दबाते हो। इट डिटॉक्सीफाई द स्किन, ठीक है। नाउ इट रिड्यूसेस द एक्ने, इट स्मूथ्स द स्किन, इट रिड्यूसेस द साइंस ऑफ एजिंग, एंड जो सबसे अच्छी बात है, इट ब्राइटन्स द कॉम्प्लेक्शन। ना अब इतना सब कुछ बस इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज यू आर यूजिंग द जेल, लाइक जूस, जेल, विटामिन ई, इतनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, एंड एक तरीका है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यू आर जस्ट ट्राइंग टू पेनिट्रेट ऑल दोज जूसेस, जेल्स, विटामिन ई इन टू योर स्किन। अ जेंटल फेशियल मसाज नॉट ओनली इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन बट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो कि क्या करता है, टॉक्सिन्स को पुट आउट करता है। नाउ सी मसाज इज डन, मसाज के साथ ही यू कैन सी कि फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आफ्टर मसाज वी आर गोइंग टू अप्लाई द पैक, द पैक इज द फोर्थ स्टेप। फॉर दैट आई हैव टेकन सैंडलवुड पाउडर, ठीक है, मैंने एल्प गुडनेस का लिया है, मुझे इसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, दैट्स वाई। नाउ आई टेकन वन सैंडलवुड पाउडर, ठीक है, सैंडलवुड पाउडर, एंड अगेन वन स्पून फुल ऑफ एलोवेरा जेल, एंड अगेन वन स्पून फुल ऑफ क्यूक्यूम्बर वाटर, ओनली थ्री इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। सैंडलवुड पाउडर जल्दी मिक्स नहीं होता, तो मिक्स इट क्वाइट वेल। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सैंडलवुड, इट प्रमोट्स द हेल्दी स्मूथ स्किन, स्कार्स, ब्लेमिशेस को कम करेगा, और खुशबू इतनी अच्छी है कि आपके मूड को भी इनहांस करेगा। मेडिटेशन के लिए भी आपको पता है कि सैंडलवुड का यूज़ करते हैं, सैंडलवुड के कैंडल्स एंड अगरबत्तियाँ एंड ऑल, तो लाइकवाइज इट हेल्प्स टू अपलिफ्ट द मूड। एंड इसके अलावा हील्स द ड्राई स्किन, इनहांसेस द स्किन ब्राइटनेस, रिमूव्स ब्लेमिशेस, रिड्यूसेस रिंकल्स, साइंस ऑफ एजिंग, तो यही सारी चीज़ें तो हमें चाहिए थी हमारे फेशियल से। नाउ वॉश इट आफ्टर 20 मिनट्स। नाउ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है पिंचिंग एंड टैपिंग व्हाइल यू आर मसाजिंग, तो मैंने इसको फिर से एक बार आपको याद दिला दिया है कि इट विल हेल्प टू पेनिट्रेट द क्रीम, द जेल nicely into your skin. Now you can see the face is clean, even tone, ठीक है, and fully hydrated. अब आप 1 week तक आपकी skin पूरी तरीके से hydrated रहने वाली है. Now after the toning, you apply any of your favorite moisturizer. नहीं कुछ है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, वही टैप कर लिया, एंड दैट्स ऑल। एंड अगर आपको ये DIY रेसिपीज मेरी पसंद आ रही है, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल है, हर्बल है, मैं कह सकती हूँ पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप इनको करो, यूज़ करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।